थाना फेज 2 नोएडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान सर्विस रोड पर सीएनजी पंप के पास दो बदमाशों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की। पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया, लेकिन वे रुकने के बजाय भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया और बदमाश सर्विस रोड से फेज 2 की तरफ भागे। सामने से पुलिस टीम को आता देख बदमाशों की मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश सुमित पुत्र प्रमोद सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया है। दूसरा बदमाश विनोद पुत्र अमर भागने की कोशिश में पुलिस के हाथ लग गया। ये बदमाश शातिर लुटेरे बताए जा रहे हैं और इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज दिनांक 22 नवंबर 2024 को जब थाना फेज 2 पुलिस टीम द्वारा सीएनजी पंप के पास वाली सर्विस लेन के पास चेकिंग की जा रही थी, तो उन्हें एक बिना नंबर प्लेट की पैशन मोटरसाइकिल तेज गति में आती हुई दिखी। जब पुलिस कर्मियों ने उसको रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल चालक ने मोटरसाइकिल रोकी नहीं, परंतु फेज 2 की तरफ मोटरसाइकिल को भगाने लगा। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो हड़बड़ाकर उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और उसने पुलिस की तरफ जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब पुलिस ने आत्मरक्षण जवाबी फायर किया तो उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम सुमित है उसके पैर में गोली लगी और वो मूल रूप से एटा का निवासी है। तुरंत ही उसको पास वाले अस्पताल में एडमिट कराया गया। कॉम्बिंग के दौरान दूसरे व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि जो सुमित है ये पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं कर चुका है, उसका पुख्ता आपराधिक इतिहास भी मिला है। इनके पास से बिना नंबर प्लेट की पैशन मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इनके पास से तमंचे, कुछ जिंदा कारतूस, कुछ गोल कारतूस भी बरामद हुए। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।